कि पैसे वापस दोगे या नहीं? मैम हो जाएगा, आपको बम्बई हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, बम्बई अगर हेड ऑफिस क्यों पढ़ाई जाऊँ मैं उतनी दूर? क्यों जाऊँ इतनी दूर इतने पैसे लेने के लिए? खुद ही सोचो। मैंने यार आप सबको रिक्वेस्ट की थी कि ये छोटी छोटी जो नर्सरीज हैं जो 5-10 रुपए में पौधे देते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए, ना कि इनके साथ फ्रॉड करने के लिए। ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं, नंबर शेयर करते हैं इनके, और कुछ लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के इन नर्सरीज के वालों के साथ में फ्रॉड करते हैं। सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है, कुछ लोग आर्मी का नाम लेके, आर्मी की ड्रेस पहन के फ्रॉड करते हैं, जिससे आम आदमी का विश्वास उन पर बनता है और फिर वो उसके बाद में इनसे पैसे लूटते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आर्मी वाला कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये फ्रॉडस्टर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो विपिन, क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन? क्या मतलब जिस दिन तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ, क्या क्या किया था, क्या हुआ था, कॉल वगैरह का बताइए। मेरा कॉल आई और उसने अमाउंट पैसे पौधे मांगे, कई अमाउंट में, जैसे 300-400 रुपये में, 300-400 अकाउंट के पौधे मांगे। अच्छा, तो उसने कहा कि मैं पेमेंट अभी कर देता हूँ आपको, ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, मैंने कहा ठीक है कर दो। तो जैसे उसने करा QR, कह रहा कि मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो इसमें का मेथड थोड़ा अलग है पेमेंट करने का। अच्छा, पेमेंट करने का मेथड अलग है, इंडियन आर्मी पैसा इस तरह नहीं जाता सीधा। अच्छा, तो QR कोड आएगा एक, उसे स्कैन करोगे आप तो पेमेंट आपके अकाउंट में सेव होगा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं एक बार ही। तो उसने कहा कि एक बार आप करके देख लो, उसमें 10-15 जिस उसने अमाउंट भेज रखा था जिस तरह, वो मेरे अकाउंट में सेव हुआ, आ गया 10 रुपए करीब आ गया। दस रुपए करीब आ गया। उसके बाद जिस तरह उसने दूसरा QR कोड भेजा, उसको स्कैन किया, तो मेरा पूरा जितना पेमेंट था मेरे अकाउंट में, जैसे इंटरनेट सब खींच लिया, सब खींच के ले पूरा। कितने का लॉस हुआ आपको? मेरा 12-13 हज़ार तक गया। अच्छा, किसी और के साथ में भी हुआ होगा? एक दो नर्सरीज वाले को सुना मैंने शायद ना। हाँ हाँ बिल्कुल। सो दोस्तों देख रहे हो, आपका सामान है, आप ही पैसे दे रहे हो, ये कुछ QR कोड में फंसा रहे हैं। अब क्या होगा कि जो नर्सरी वाले हैं, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स बंद कर दिए, पेटीएम नहीं ले रहे हैं, गूगल पे वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। इनको जो ये थोड़ा बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, सब ज़ीरो हो चुका है। ये बेचारे अब यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बचता है वो किसी ना किसी बहाने से कोई फ्रॉड करके ले जाते हैं साथ में। समझने वाली बात यह है कि QR कोड्स जब आते हैं आपके पास में, तो आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो जैसे विपिन ने बताया, इनके पास में कंटिन्यूसली QR कोड्स आ रहे थे। तो मैं अभी आपको इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि ये बात जो हम बता रहे हैं सही है या गलत है, मैं आपको एक वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ और आपको मैं इनकी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ जहाँ पे इनके पैसे कटे हैं। और दोस्तों एक दो नर्सरी और है जिनके पास तकरीबन 80,000 रुपये तक भी कटे हैं, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ दोस्तों। कितने रुपए डालोगे? हेलो बेटा, आर्मी के लिए वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग किया बेटा। अच्छा तो ठीक है, कोई नहीं, पहले ये बताओ हमारा पैसा कब आएगा? वो आ जाएगा मैम, वो आ जाएगा कब? मैं 6,000 रुपये जमा करूंगा ना, उसमें ऑनर भी आपको कम एंटर करना है, और आपको सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। कब कब तक रिफंड करोगे? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी मैं लाइफ टाइम 6,000 रुपये जमा कराऊं अभी आप उसमें लाइफ टाइम। 6,000 जमा कर दिया, मैसेज तो आया नहीं अभी मैम, अभी आप उसमें फिर से जमा करना पड़ेगा, और जमा करके आप उसमें 6,000 में 1 रुपये कम टाइप करना पड़ेगा। पहले आपने 1 रुपये मेरे से ले लिया ना फर्स्ट टाइम में, आपको आपने पहले ये बताइए, आपने बोला था 6,000 जमा करिए, तो हमने 6,000 जमा किया, फिर आप दोबारा बोल रहे हैं कि 6,000 जमा करिए, कितने जमा करेंगे? आपने गलती खुदने मेरे पे डांट पाड़ रहे हो आप, क्या ये कहाँ का कानून है? पहले खुद ही आप तो सोचिए, आपने बोला था 6,000 जमा करने के लिए, करा ना हमने, अब आप उस 6,000 को 12,000 कर रहे हो, उसको दोबारा तिगना कर रहे हो, तो क्या ये कौन सी बात होती है मैम? पहले आपने
मैंने गूगल से नहीं, पहले सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ मेरे पैसे कितने घंटे तक लौटाओगे, मुझे टाइम दीजिए। मैं नहीं नहीं लौटेगा, बोलो अब 6000 रुपए जमा करोगे और सब कुछ में 100 रुपए कम एंटर करना है तो आपको सारा पैसा भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बोलो क्या करूं मैं। आपने मेरा भी 12000 प्रोसेस में चला गया है और आपका भी 12000 प्रोसेस में चला गया है, आपको इधर आना पड़ेगा, बम्बई हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर आपको फाइल लगाना पड़ेगा, तब आपको सारा पैसा आएगा, बोलो। तो पहले आपको ये सोचना था ना कि अगर मुझे प्लांट लेना है तो इस बंदे का पैसा सोचना चाहिए ना, क्यों आपने दोबारा बोला कि हाँ मुझे 6000 फिर से दो। मैं मेरा बात सुनोगी आप, पहले फर्स्ट में पहले 100 रुपीस कंफर्म करा दिया था, टोटल पेमेंट था उसका 6000 रुपए था, राइट? हाँ 6000 था, ठीक है। सर ने 6000 रुपए कट कर लिया कूपन से, पहले 100 रुपीस टाइप करा दिया, हुआ 6000 रुपए कट, तो सर मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि 1 रुपीस कम एंटर करना था उसमें। कहाँ बोला मुझे, कहाँ बोला उन्होंने? हाँ पूछो। सो दोस्तों वीडियो देखी, देखा कैसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के लोगों का जो बहुत मुश्किल से पैसा कमाया होता है वो एक मिनट के अंदर लेके उड़ जाते हैं। आप उनसे बात करते रहो और फंसते रहो। तो इसमें आपने वीडियो में देखा होगा जो ममता कैसे बोल रही है कि अब मेरे पैसे वापस कब आएगा, तो वो बोल रहे हैं कि आप हमारे वहाँ पे हेडक्वार्टर में आना पड़ेगा फिर बने मिलेगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सो विपिन, आप सब ने कोई कंप्लेंट करी पुलिस में, आईटी सेल में कुछ? नहीं, कंप्लेंट नहीं करी। नहीं करी, क्यों? क्योंकि एक जो ऐप, जो वीडियो अभी हम एक देखेंगे, हाँ, उसमें एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, हाँ, हाँ। बिल्कुल, जैसा भी आपका पैसा जैसे किसी फ्रॉड करके निकाल लिया है, अच्छा, तो उस वीडियो में एक नंबर दिया जाएगा आपको, अगर उस पर आप जैसे कुछ करते हो अपना कंप्लेंट, ऐसे ऐसा हो गया हमारे साथ, तो आपको तुरंत जैसे अगर उसके अकाउंट में जैसे आपका पैसा गया फ्रॉड होकर, तो आपके रिटर्न आ सकता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसमें सोल्यू पर, लेकिन देखिए तब तक आप लेट हो चुके थे, आपको नहीं मिला नंबर वगैरह, काफ़ी लेट हो चुका था काफ़ी। अच्छा, तो दोस्तों देखते हैं ये वाली वीडियो जो विपिन ने बताई है कि कैसे हम अपने, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर, उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है, ये नंबर मैं आपको कई बार, 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260, ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये, 155260, ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में, बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए, किसी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप फोन लगाएंगे तो ये अभी MP और छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रहा है, आपसे चूंकि अपन MP में है तो MP पूछा जाएगा, जब MP का आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसके जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे पैसे, जिसमें पैसे जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है, तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा, जिसमें साइबर, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी UPI हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए
वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा, करोड़ों रुपए वापस हुए हैं। लोगों को ये मालूम नहीं है, 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपकी आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें, वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बताया। सो, अब मैंने भैया को भी बुला लिया यहाँ पर। सो, दोस्तों, अब जो हो गया उसको तो कोई कुछ वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो इनका नुकसान हुआ है वो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी सपोर्ट कर सकूँ जितना भी मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अब इन्होंने पेटीएम वगैरह सब बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो डर हो गया एक बार वो जल्दी से नहीं जाता है। तो मैं इनके अकाउंट में इनके ट्रांसफ़र कर दूंगा जो भी इनके साथ में जितना भी पैसा इनका कटा है। पहले भी हमने सपोर्ट करी थी, लास्ट टाइम जब हमने इनकी बेटी की वीडियो बनाई थी, DMLT जो कर रही है, काफ़ी पढ़ाई अच्छे से कर रही है, तो इस बार भी हम इनके ऐसे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि जो लोग फंस चुके हैं उनको तो हम अब वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं फंसे हैं, जो बच सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम इस वीडियो को देख के बच जाएं, कम से कम लोगों का नुकसान हो। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मतलब जी सर, जो फ्रॉड हो रहा है, आर्मी वाले बन के फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों से कृपया आप बचिए। ये पेटीएम कहते हैं 1 रुपये डालो, पेटीएम आपका सही नहीं आ रहा, मेरे खाते में 1 रुपये डालो, हाँ, तो हाँ, आपके पेटीएम नंबर मेरे होता आ जाएगा। लोग बाग मुझे, हम लोगों को पता नहीं था, इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, 1 रुपये डाला मेरा लड़का, फिर वो पूरा आईडी चली जाती है फ्रॉड के पास, वो सारे के सारा पूरा आईडी चली जाती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके खाते में पैसे नहीं जा रहा, आप 2000-4000 डालो, मैं आपका वापस कर देंगे। लेकिन वो वापस नहीं, आपका पूरा बैलेंस खींच लेगा, पूरा बैलेंस खींच लेगा। जी सर, इसी तरह मेरा 12000 रुपये चला गया। अब बताओ, लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन पौधे भिजवा दो, अब कैसे भिजवा दे, कैसे विश्वास कर ले? अब जो 1 रुपया कमाना होता है उसके चक्कर में 10-12 हज़ार रुपये लोग गवा देते हैं। तो थोड़ा सोचने का वक्त है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इनको। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू सर।